ना इंसान अपनी मर्जी से पैदा हुआ और ना ही अपनी मर्जी से मरेगा, फिर क्यों वो इसके बीच का वक्त अपनी मर्जी से गुजारना चाहता है। इंसान को अपने ऊपर गरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज है, जब उसकी पकड़ होती है तो इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कहा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, फिर उस पर साबित कदम रहा तो वो जन्नत में दाखिल होगा। नेक नियत की वजह से काम नेक और बुरी नियत की बदौलत बुरा हो जाता है। कभी ना उम्मीद मत होना, अल्लाह अपने बंदों को मुसीबत से आजमाता है और बेशक मुश्किल के साथ उसका हल भी है। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, मगर सिखाकर और समझाकर बहुत कुछ जाता है। लोग प्यार करने के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। बात उस वक्त बिगड़ जाती है जब चीज़ों से प्यार किया जाए और लोगों का इस्तेमाल। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी ज़ुबान पर अपना ज़िक्र और दिल में अपनी फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है। बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बात तो दीवारों पर भी लिखी होती है। बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों से ज्यादा अपने ऐबों पर नजर रखे। मुश्किलात की जंग में, दुखों और गमों की यलगार में सबसे बेहतरीन पोजीशन सजदा है। तकदीर के आगे किसी का बस नहीं चलता, लेकिन दुआ ऐसा हथियार है जो तकदीर पर गालिब आ जाता है। अल्लाह ताला की चार रहमतें जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती, बेटी, मेहमान, बारिश, बीमारी।